आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आचार विचार व्यवहार। तीनों को हम अलग से अलग अलग प्रभावित परिभाषित करेंगे और फिर तीनों का आपस में क्या को रिलेशंस है और तीनों मिलकर के कैसे होलिस्टिक होते हैं ये आपको बताएंगे। सबसे पहले हम विचार को लेते हैं, क्योंकि विचार से आचार आता है और आचार से व्यवहार बनता है। पूरा इस तरीके से जो है ये सर्किट है, पहले भाव, जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। ये एक पूरा होलिस्टिक जो है सर्किट है। तो हम भावों से चलेंगे, क्योंकि भाव गंगोत्री है। शिव जी की जटा में से जब जो है वह भगीरथ, जो कि भगवान राम के पूर्व से, उन्होंने खूब तपस्या की हरिद्वार में और शिव जी को प्रसन्न कर कहा कि आपकी जटा के अंदर जो गंगा है उसको जो है आप धरती पर बहावें और धरती पे बहा करके लोगों का जितना भी पाप है वो धोने की कृपा करें, गंगा को बहाएं। तो उनकी साधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने अपनी जटा में से गंगा को हरिद्वार में से बहाया और वो गंगोत्री बन गई। तो हमें भी उस गंगोत्री तक पहुंचना है। गंगोत्री कहाँ है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो शरीर में हमारी आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और शरीर के बाहर बिल्कुल नहीं है। शरीर का एक एक परमाणु जो भौतिक स्वरूप है, उस हर एक भौतिक स्वरूप में चेतना है और एक एक चेतना के एक एक परमाणु पर असंख्य कर्मों के चतुस्पर्शी परमाणु लगे हुए हैं, जिसको कार्मण शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, राग द्वेष कहते हैं, बहुत से अलग अलग धर्मों के अलग अलग नाम हैं। तो मुख्य गंगोत्री ये है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, वो तो मोक्ष में जाने वाली है। मूल स्वरूप में सभी प्राणियों में एक सा आत्मान विराजमान है, विविधता अलग अलग कर्मों के कारण है और वो कारण बनता है कारण शरीर। विदाउट द कॉज देर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कारण के बिना कार्य नहीं होता है, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। तो हमारा ये कारण शरीर है, जब ये स्थूल शरीर बना है या सूक्ष्म शरीर के अंदर कहिए तेजस शरीर है, सारी व्यवस्थाएं जो है इस कारण शरीर के कारण होती। आत्मा होता है, पुनर्जन्म होता है, पुण्य पाप होता है और हे होता है, उपादेय होता है, संवर होती है, निर्जरा होती है और मुक्ति की बात चलती है। आत्मा है तो सारी बातें होती है, आत्मा नहीं है तो ये जड़ तत्व उसको जला दिया जाता है। अकेले जड़ का कोई मोल नहीं है, अकेली आत्मा का भी जो है मोक्ष में तो रोल है और वहीं पे अकेली रह सकती है, वरना एब्सोल्यूट जो शुद्ध आत्मा है
वो अकेली कहीं सिवाय मोक्ष के रह नहीं सकती है। जहाँ भी रहेगी वो बॉन्डेड रहेगी, कॉजल बॉडी से जुड़ी रहेगी। तो हमारी गंगोत्री है कॉजल बॉडी और आत्मा, ये दोनों फेविकॉल से चिपके हुए होते हैं और दोनों के बीच में मल युद्ध चलता रहता है। जब हमारा जो है कहना चाहिए भाव है वो मनोरंजन की तरफ जाता है, तब जो है ये शरीर का सारा जो उदय और प्रारब्ध होता है, और जब आत्मरंजन की तरफ भाव जाता है तो उस समय क्षोभ सम होता है। क्षोभ सम में आत्मा का जो विचार आता है और उदय प्रारब्ध आता है वह जो है मनोरंजन में आता है। तो जैसे जैसे हमारे कर्म छूटते जाते हैं कॉजल बॉडी से कहिए आत्मा से, तो छूटने के बाद के अंदर इन दोनों से बाहर निकल के वो एक अध्यवसाय बनाते हैं, और अध्यवसाय जो होता है वो कलरलेस होता है। और जब ये अध्यवसाय हमारा आगे जाके जो ये जो सारा कार्मण शरीर है वो अचेतन मन है, ये आत्माएं दबी हुई है, 8 तरह के कर्म और 148 प्रकृतियों का पुलिंदा है, और हर क्षण इसमें से उदय प्रारब्ध चलता रहता है। और ये जब उदय प्रारब्ध होकर के और जब ये हमारे दो सूक्ष्म शरीर है, तेजस शरीर है या हमारा अवचेतन मन है जो शरीर में ही होता है बाहर नहीं है, उसको टच होती है, तो टच होते ही ये जो भाव जो पक्ष आया था उस भाव पक्ष को शुभ अशुभ जैसे भी भाव थे उनको कलर मिलता है, कलर लेशिया बन जाती है। लेशिया है 6 तरह की होती है। कलर का हमारे जीवन हमारे स्वभाव और पूरे संसार पर बहुत बड़ा असर है। और 5 तरह के मुख्य कलर्स होते हैं जो चक्षु इंद्रिय का विषय है, काला पीला नीला सफ़ेद और हरा। ये 5 कलर से जैसे 0 से लगा के 9 तक की संख्या होती है, इनसे हम लाखों करोड़ों संख्या बना सकते हैं। तो इन 5 कलर का कॉम्बिनेशन करके लाखों तरह के कलर जो है बनाए जाते हैं। एशियन पेंट्स वगैरह जितने होते हैं अलग अलग शेड्स अलग अलग मात्रा में मूल इन 5 कलर्स को लेके अलग अलग शेड्स बनाते हैं। पर्पल कलर है या अलग अलग तरह के कलर पेल कलर है और जो सारे कलर बनाए जाते हैं। तो ये मुख्य 6 तरह की लेशाएँ होती है। 3 शुभ होती है यानी शुभ भाव आते हैं उसको शुभ लेशिया कहते हैं, अशुभ भाव होते हैं वो अशुभ लेशिया कहते हैं। जैसा उदय और प्रारब्ध है अशुभ भाव के अंदर जो लेशाएँ होती है डार्क कलर की होती है और जो है वो डल होती है, जैसे कि कृष्ण लेशिया नील लेशिया और कापोत लेशिया। कृष्ण लेशिया होती है वह एकदम काली जो अमावस्या की रात की तरह जो है डल कलर की होती है। और कृष्ण लेशिया कब बनती है, जब बहुत बड़ी हिंसा के भाव का उदय होता है, पंचेंद्रिय वध का हो गया और जो कहिए जो जो महा जो है अति परिग्रह अति आरंभ अति समारंभ ऐसी स्थिति के जो हमने कर्म अर्जन किए थे जब वो उदय में आते हैं तो कृष्ण लेशिया होती है। नील लेशिया उससे थोड़ी डाइल्यूट होती है, वो है झूठ के कपट के हिंसा के और धोखाधड़ी के विचार होते हैं वो लेशिया हमारी कहलाती है नील लेशिया। और उससे भी हल्की होती है वो एक कापोत लेशिया होती है। तो कापोत लेशिया जो है वह और कम हिंसा के भाव आते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या करना द्वेष करना और किसी के प्रति जलन रखना और किसी के प्रति बुरा सोचना। तो ये कृष्ण नील कापोत तीनों लेशिया जैसे जैसे हमारे उदय प्रारब्ध आता है वैसे वैसे कलर वाली लेशिया बनती है। और जब आत्मा का विकास होता है क्षोभ सम होता है शुभ भाव आते हैं तो शुभ लेशाएं बनती है। ये शुभ लेशाएं जो है वो तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया, तेजो है चमकता हुआ ब्राइट
जो है वो पिंक कलर होता है, ये हमको शांति प्रदान करती है पूरे जीवन के अंदर, वो बहुत बड़ी शांति आती है। और पद्मलेशिया होती है, यह चमकता हुआ पीला हल्दी का कलर है, ये पद्मलेशिया, ये आनंद की अनुभूति कराती है और आनंद आत्मा का लक्षण है। और तीसरा जो होता वाइट चमकता हुआ एकदम ट्यूबलाइट की तरह, वो कलर कहलाता है प्योरिटी का कलर होता है। और ये प्योरिटी का कलर और ऐसी लेशियाएँ लंबे समय तक रहती है, तो मान के चलना चाहिए कि जीव ये जल्दी मुक्ति जाने वाला है। ये प्योरिटी, ये जो प्योरिटी की संज्ञा है और ये जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। तो ये तीन शुभ भाव तीन अशुभ भाव, जैसे जैसा उदय प्रारब्ध जाकर के हमारे तेजस शरीर अवचेतन मन से टच होता है, और ये भाव इनके साथ में जो है हमारा ग्रंथि तंत्र एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो जुड़ी हुई रहती है। यानी अब हमारा जो है ये स्थूल शरीर कहिए या चेतन मन कहिए, उसके दायरे में घुसता हूँ तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारे जैसे जैसे शुभ अशुभ भावों के वाइब्रेशंस होते हैं, वो हमारा चित्त जो कि स्थूल शरीर पे काम करता है, स्थूल शरीर का मालिक है, उसकी आज्ञा से जो है और सारा जो चेतन मन की आज्ञा से ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वो हमारे वाइब्रेशंस के भाव आते हैं। तो एंडोक्राइन डक्टलेस होती है, वो इन भावों को वाइब्रेशंस को लिक्विड के अंदर बदल देती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो इस स्थूल शरीर पे काम करती है, और जितना ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी के अंदर जाता है वो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस से जुड़े रहता है। उनके में छेद नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूरा सिस्टम है कि जैसा जैसा लिक्विड जैसे जैसे हार्मोन्स शुभ अशुभ भावों के ब्लड के साथ मिल जाते हैं, उस पर चित्त काम करता है, मन करता है, बुद्धि करता है, अहंकार करता है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री है पूरी जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का काम करती है, और वो वैसा का वैसा विचार बन जाता है। अब देखिए हमारा विषय अब चालू हो रहा है कि भावों से विचार बन गए। विचार होता है मन का विषय होता है, मन तीन तरह के काम करता है। अगर वो वर्तमान में रहता है तो वह चिंतन करता है, विचार बनाता है, और अगर वह भूत के अंदर चला जाए तो भूत की कल्पना करता है, भविष्य में चला जाए तो वह भविष्य की कल्पना करता है, भूत में चला जाए तो भूत की स्मृति करता है। ये सारा कार्य जो है मन का होता है, विचारों का। और मन जो है उन विचारों को बुद्धि को देती है, बुद्धि जो है वह चित्त को देती, चित्त है विजुलाइज करता है, कैमरा है, जो पैम्पलेट्स मन से आए थे वह चित्त उसके फोटो खींचता है। जैसे कि हमारा इलेक्शन होता है और चार पांच पार्टी के लोगों के पैम्पलेट्स होते हैं, वो मन ने बुद्धि को दिए, बुद्धि ने जो चित्त को दे दिए, चित्त ने फोटो खींच ली, और वो सारे हमारे अहंकार के पास में जाता है। अहंकार राष्ट्रपति का काम करता है, बुद्धि है प्रधानमंत्री की काम करती है। और जब अहंकार राष्ट्रपति ने छाप मार दी जिस मन के विचार पैम्पलेट पर, वह मान्य हो जाता है। इसका ये पूरा एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री है चार्ज की और डिस्चार्ज की। तो पूर्व जन्म के अंदर हम चार्ज करके लाए थे, इस जन्म में वह एज इट इज मैकेनिकल मोड से डिस्चार्ज हो जाता है मन वचन काय की बैटरी, और हमको जैसा उदय प्रारब्ध मिलता है सुख दुख मिलना उसी से ही होता है। तो हम जो ये बात कर रहे थे विचार, तो भाव से हमारे विचार बन गए, और वो विचार सारे ब्लड के साथ के अंदर हमारी जितनी कर्मेंद्रियां हैं जो हमारे हाथ है पांव है, वो शुभ अशुभ जैसे भाव आते हैं वैसा है हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं। मान लीजिए भीतर से शुभ के भाव आ रहे हैं, अध्यात्म के भाव आ रहे हैं, तो वो भाव क्या है हमको इंस्ट्रक्शन देता है, तुम्हारे पास में पैसा है, तुम जो है लोक कल्याण जगत कल्याण और लोगों के परोपकार के लिए काम लगाओ, तो हम प्रेरित हो जाते हैं उससे, वो हमारे जितना बन पड़ता है। जो हमारे अभावग्रस्त लोग हैं, जो है मूक है बधिर है लूले है लंगड़े हैं अपाइज है अनाथ है और जो कहना चाहिए विधवाएं हैं,
उन सब के लिए हम जैसा जैसा वो दान का हमारे पास में इंस्ट्रक्शन आता है, हम करने लग जाते हैं, वो विचार के पास में आता है। तो हमारा जितना मन वचन काया का जितना भुगतान इस शरीर से चल रहा है वो सारा विचारों के द्वारा होता है। इसीलिए विचार ही भुगतान कराते हैं और वो भुगतान ऑटोमोड से होता है। तो इसलिए नए भावना पड़े तो कहने का अर्थ होता है विचारों को बाईपास करो। बाईपास का मतलब जैसे जैसे विचार आए वो तो ब्लड के साथ मिलकर कर्मेंद्रिय ऑटोमेटिकल करती होने लगे, लेकिन आप अपना उसके साथ में जुड़ाव मत करो, तन्मयाकार मत बनो। ये इंस्ट्रक्शन होता है कि नया चार्ज नहीं करने से और जो डिस्चार्ज चल रहा है ऑटोमोड से उदय प्रारंभ के अधीन चल ही रहा है जिसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो अवस्था मात्र है और वो आया और भुगत लिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे विचार की। देखिए भाव से बना विचार, अच्छा विचार से आचार। आचार का अर्थ क्या है कि जैसा जैसा चिंतन आया हम वैसा वैसा उसको जीवन के अंदर ढाल देते हैं, यानी हम करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। अच्छा भाव है, अभी मैंने बताया चैरिटी का, चैरिटी का भाव, हम करने को तैयार हो जाते हैं। हम पैसा निकालते हैं, बैंक से करते हैं, किस संस्था को देना, कितना देना, एकदम सारी सारी तैयारी हो जाती है। इसको आचार कहते हैं। और व्यवहार का मतलब प्रैक्टिकल में लाना, जो योजना भीतर बनी है उसकी क्रियान्विति करना जो है वो सारा व्यवहार करता है। यानी जैसा जैसा उदय प्रारब्ध आया वैसे वैसे विचार बने, और विचार से जो है हमारा आचार बना, और आचार से सारा व्यवहार, मतलब हम करने लग जाते हैं, व्यवहार के जगत में आ जाते हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो हमारे भाई बंधु माता पिता पत्नी पत्नी पति पत्नी सब होते हैं, उनके साथ हम व्यवहार करने लग जाते हैं। अगर हमारा उनके साथ में अच्छा बंधन है तो अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा बंधन है तो बुरा व्यवहार करते हैं। वो तो होता है उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है, तो वो तो हम उसमें स्वतंत्र नहीं है, वह तो ऑटो मोड से होता है, ऑटोमेटिक होता रहेगा। लेकिन जो चल रहा है उससे हमको जुड़ाव नहीं करना है। मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हमको ज्ञाता दृष्टा बन के मात्र देखना है, जीवन भर देखना है। जो सबसे बड़ी टेक्निक हमको ये भाव, उसके बाद में विचार, फिर आचार और फिर व्यवहार, और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। यानी व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार करता है वो उसकी पर्सनैलिटी में आता है। लोग कहते हैं भला आदमी है, और अगर वो गलत काम कहते हैं कि लोग बुरा है, किसी की निंदा करने वाला है तो वो कहेगा ये तो निंदक व्यक्ति है, और अपराध के काम करने वाला कहेंगे लोग कि अपराधी है, आतंकवादिता की एक्टिविटी करने वाला है तो वो कहेगा कि आतंकवादी। और जैसा जैसा हम व्यवहार करते हैं, जो है हम टीचर हैं या जो है हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या क्या चीज़ है, जैसा जैसा हम समाज में व्यवहार करते हैं वैसा वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। तो भाइयों बहनों अब देखिए बात आ गई सारी व्यवहार के ऊपर, तो हमको व्यवहार अच्छा करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं वह होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ये बात बहुत समझने की होती है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। ये पूर्व जन्म का जैसा हमारा कर्म है वह उदय प्रारब्ध के अनुसार भाव से विचार, विचार से आचार और आचार से व्यवहार बनाया है, वो हम वैसा ही करने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हालांकि हम भद्र पुरुष हैं लेकिन किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, क्योंकि उसका हमारे साथ में वैसा ही संजोग है, दुर्व्यवहार होने का नियति है और दुर्व्यवहार हो जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि हम घर में रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ में हम बुरा सलूक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बात बात में हमारा मूड बिगड़ जाता है और हम उसको डांटने फटकारने लग जाते हैं। तो खाना समय पर नहीं बनाती है, खाना मेरे को ठंडा देती है और मेरे कपड़े वगैरह का ध्यान नहीं देती, कपड़े समय पर धोती नहीं है, तू तो इसी तरीके की ऐसी अनियमितता करने वाली है। अब हम चाहते नहीं थे,
हम चाहते थे कि इससे प्रेम बना के रखने में फायदा, पर ये हो जाता है। ये जो होने वाली की बात है उसमें हम पराधीन हैं, क्योंकि उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और ये करवाती कुदरत करवाती है। कुदरती हमारे से बुलवाती है, कुदरती पत्नी को सामने लाके खड़ा करती है, और कई बार जो है तू तू बह में बढ़ भी जाती है। ये सारा संयोग जितना भी किसी को लाना है, करना है, मिलाना है, ये सारा कुदरत करती है, क्योंकि ये सारा जो विचार और भाव है ये परिणति होती है, ये कुदरत में होती है, और कुदरत ही हमको पैदा करती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और कुदरत में विलीन हो जाते हैं। वी आर दी गेस्ट ऑफ दी नेचर, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमें कुदरत के नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए, कभी भी कुदरत से ऊपर अपने आप को नहीं समझना। कुदरत से ऊपर समझने का अर्थ ये कर्ता नहीं बनना। एक बहुत बड़ा जो लॉजिक है और बहुत बड़ा समझने की बात है हमको इस पूरे एपिसोड से, कि हमको जीवन में कभी भी कर्ता नहीं बनना चाहिए। जो दुनिया को बहुत ज़्यादा जानता है और अपनी गज से दुनिया को पहचानता है और दुनिया की गज से अपने को पहचानता है, तो सब कुछ वो जानता है, लेकिन मैं कौन हूँ इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। यह खोज करनी जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा कार्य होता है। और जो व्यक्ति अपनी खोज कर लेता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप में हूँ, और मैं तो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, मैं जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हूँ, चारों तरफ आनंद ही आनंद मेरे, जब ऐसी अनुभूति, ऐसी सी प्रतीति और जागृति जो कि हमारा रियल पुरुषार्थ है वो बनी रहती है, और उससे हमको अनुभव प्राप्त होता है, वो मुख्य बात होती है। और धीरे धीरे जब हमारा अनुभव गहरा होता जाता है, यानी हम ये सहजता से जो है ये एक एक कोशिका के अंदर भेद विज्ञान करके ये एहसास करने लग जाते हैं कि ये तो अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर जड़ है, मैं तो चेतन स्वरूप हूँ, ये नाशवान है, मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं तो भूत में था, वर्तमान में हूँ, भविष्य में रहूँगा, अनादि अनंत काल से मैं तो एक जैसा एक स्वरूप में, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो ऐसी हमारा एहसास प्रीति और गहरी से घनीभूत होती जाती है, क्यों तो हमारा जो है वह ज्ञान बढ़ता जाता, अनुभव अनुभव बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री के लेवल तक वह अनुभव आ जाता है, उसको केवल दर्शन कहा जाता है, उसको सबसे बड़ा रियल पुरुषार्थ कहते हैं। और एक बार केवल दर्शन हो गया तो फिर जीवन में कुछ भी करना बाकी नहीं है, वह जो है नेक्स्ट बर्थ है, ऑटो मोड, परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान के स्वरूप में वह इसी औदारिक शरीर के अंदर जन्म लेते ही वह परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर का रूप रहेगा। जितना आयुष्य है उसको पूरा करके वह सिद्ध बुद्ध होकर के सिद्ध शिला के अंदर ईश्वर रूप में 2/3 अवगाना के साथ विराजमान होगा, और फिर पुनः इस 84 लाख की जो भ्रमण है वो जो कि सबसे बड़ा दुख का कारण है, फिर वह कभी भी इसमें एंट्री नहीं लेगा, कभी भी नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, हमने सारा बताया, भाव, भाव से विचार, विचार से आचार, आचार से व्यवहार, व्यवहार से जो है हमारा जो पर्सनलिटी डेवलपमेंट, हमारा व्यक्तित्व विकास, तो इस तरीके से पूरा चलता है। इसको हमें इस डायरेक्शन में, इसको खंड खंड करके नहीं देखना है, इसको अखंड करके देखना है। जब अखंड करके देखेंगे तो स्टार्ट से एंड तक है वो, हम सब उसको जोड़ते जाएंगे, और जोड़ करके हम जो है पूरा अपना जितना भी जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त कर सकते हैं। और खंड खंड में करेंगे तो वह इतना सुंदर परिणाम या ज्ञान देने वाला नहीं है। तो हम इस एपिसोड को जो है ओपन टू दी ऑडियंस करके बात करना चाहते हैं कि जो विषय आपने हमने लिया है कि विचार, आचार और व्यवहार किस तरीके से ये व्यक्ति, समाज और जो है राष्ट्र और विश्व के लिए वायबल है, उपयोगी है, और ये सोशल यूटिलिटी है,
और इसकी रिलीवेंस है ये हम देखना चाहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना भाव के विचार नहीं बनता, बिना विचार के आचार नहीं होता। क्या पालन करोगे? विचार आएगा तभी तो पालन करोगे, और बिना आचार के जो है व्यवहार नहीं होता। आचार में ढलेगा जब व्यवहार में आएगा, और व्यवहार बनेगा जब व्यक्तित्व में आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्टार्ट से करेक्शन दो, स्टार्ट से जो है हमारे भाव शुभ होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या रियल पुरुषार्थ करना है कि हमको ज्ञाता दृष्टा बन करके, और जो रियल पुरुषार्थ है शुभ भावों को खड़ा करना है। आपको ये लग रहा है हमारी गंगोत्री से अशुभ भाव जो कृष्ण लील कापोत लेशा आनी प्रारंभ हो गई है, तो आप रियल पुरुषार्थ करके उसके सामने जो है आप तेजो पद्म शुक्ल लेशा को खड़ी कर दो। कैसे खड़ी करना है कि अपने घर के अंदर कोई दादा घुस गया और हमको जो है धक्का मुक्की करके घर से बेदखल कर देता है, तो आप पुरुषार्थ करके बड़े दादा को लाइए, वो छोटे दादा को घर से निकाल देगा। यानी अशुभ भावों के साथ शुभ भावों को खड़ा करना, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है, दृष्टि विज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सभी शांतिपूर्ण से स्थित से आनंद के साथ जी करके इस धरा पर स्वर्ग को उतार लावें। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है, उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।